एक रेलगाड़ी का कीमत कितना होता है क्या आप जानते हैं? हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक होंगे। आइए इसी पर आज चर्चा करते हैं कि एक रेलगाड़ी की कीमत क्या होती है। एक सामान्य रेलगाड़ी बनाने में 36 करोड़ से लेकर 74 करोड़ तक लगते हैं। रेलगाड़ी या ट्रेन की लागत चार चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला, डब्बों की संख्या, उसमें कितनी डब्बे हैं। दूसरा, वह ICF कोच है या LHB कैटेगरी का कोच है। तीसरा, वह सवारी गाड़ी है या एक्सप्रेस गाड़ी है या राजधानी एक्सप्रेस है या शताब्दी एक्सप्रेस है, इनमें से क्या है। चौथा है डिब्बों के प्रकार, जैसे वातानुकूलित, पावर कार, पेंट्री कार इत्यादि। चार अलग अलग प्रकार के ट्रेनों की लागत अलग अलग है। मेमू ट्रेन 20 डब्बा का सामान्य टाइप, इसकी कीमत लगभग 36 करोड़ रुपये होती है। वहीं कालका मेल 25 डब्बे ICF टाइप की लागत 48.5 करोड़ यानी कि 48.5 करोड़ रुपये होती है। हावड़ा राजधानी 21 डब्बा वाला जो LHB टाइप का होता है की लागत 74 करोड़ रुपये होती है। अमृतसर शताब्दी 19 डब्बा LHB टाइप की कीमत 72 करोड़ रुपये है। यह लागत वर्ष 2016-17 के अंतिम प्रमाणित मूल्य पर 20% मुद्रा स्फीति पर आधारित है। और तीनों फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, RCF कपूरथला और MCF रायबरेली में जहाँ सबसे कम लागत है को आधार माना गया है। थैंक यू।